नवरात्रि व्रत पूजा विधि एवं व्रत कथा। नवरात्रि व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर नवरात्रि में दुर्गा जी का ध्यान करके कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए ये व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा जी की कृपा से सभी विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो का उच्चारण करना चाहिए। कथा इस प्रकार है। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या को इस व्रत के करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंग से हीन हो जाता है। उसके संतानोत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को ना करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो, भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो विधवा स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मनोब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही करो। राजा
कुष्ठी अथवा किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणाति अग्नि को अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयावने कुश युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं, वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद यानी भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल के कैद खाने में डाल दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मन वांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है वह वरदान मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति के कुष्ठ को दूर कर दो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती थी। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत की संताप को हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मन वांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीनहीन की रक्षा कीजिए।
ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र तुझे शीघ्र होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत विधि बताइए। हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से समस्त पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्वा, नारियल, दाख और कदम्ब, इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खंड, घी, नारियल, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मन वांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहली बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसको उसका फल करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करना। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में भी दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बताया है। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। सब प्रेम से बोलो, दुर्गा मैया की जय।